अस्सलाम वालेकुम कैंडीज, वेलकम टू बेंच विद अस्मा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बकरा ईद स्पेशल मटन पुलाव। जैसे सबको पता है बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद पे सब घरों में मटन पुलाव लाजमी बनता है। मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 3 स्टेप्स हैं, तो चलें देखें। तो चलें इंग्रेडिएंट्स नोट करें। चावल 750 ग्राम है, मटन है मेरे पास 1 kg, ये देखिए मैंने मछलियों वाला गोश्त लिया है इसका, और हमें चाहिए नमक हसबे ज़रूरत, 2 टेबलस्पून मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, कुछ मुझे साबुत गरम मसाला चाहिए जिसमें ये तेज़पत्ता है, जलवत्री है, सूखा धनिया है, दालचीनी है, लौंग है, ये काली मिर्च है और ज़ीरा है, और प्याज लिए मैंने एक मीडियम जिसको मैंने 4 स्लाइस कर लिए हैं। हरी मिर्चें मेरे पास ताज़ी थी नहीं, पेस्ट था वो मैंने ले लिया ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, 5 बादियान के फूल, 3 टेबलस्पून सूखा धनिया, 3 टेबलस्पून सौंफ, और 1 बंच लहसुन का लिया है और 1 प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, और मैंने पानी लिया यहाँ। अब हम फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, चलें। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, मैंने एक सॉस पैन लिया है खाली, इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 लीटर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, और इसके मसाले मैं इसके अंदर डाल के इस पानी को सुखा के सिर्फ 1/2 ग्लास पानी बाकी बचाऊंगी, ठीक है। ये सूखा धनिया 3 टेबलस्पून इसके अंदर चला गया, 3 टेबलस्पून सौंफ, ये बादियान के फूल, 5 फूल लेने हैं आपने, और ये हरी मिर्च का पेस्ट चला गया। अच्छा, आप इसमें साबुत 2-3 हरी मिर्चें फेंक लीजिएगा फ्रेश। ये लहसुन का पूरा बंच इसमें जा रहा है, और ये प्याज, ये मैंने 2 स्लाइस कर दिए थे प्याज के, वो मैंने इसमें डाल दिए। अब ये मैं इसको चूल्हे पे रख दूंगी, ठीक है, और इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी ताकि पानी खुश्क हो जाए इसका, और फिर उसके बाद हम पानी स्ट्रेन करके यूज़ करेंगे। ये देखें, ये मैंने रख दिया चूल्हे पे। तो अब शुरू होता है हमारा सेकेंड स्टेप। मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसके अंदर मैंने मटन डाल दिया है, ये मैं यखनी तैयार कर रही हूँ। अच्छा, ये देखें, ये साबुत गरम मसाला जितना भी था ये डाल दिया, ये देखें सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, ये चला गया इसके अंदर। अब इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर इसके अंदर जाएगा ये प्याज, ओके। अब ये प्याज इसके अंदर चला गया, नमक मैंने डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, नमक जो है ना, हर कोई अपनी मर्ज़ी से, लाइक कोई तेज़ खाता है, कोई कम खाता है, तो वो आप हसबे ज़रूरत देखें। और पानी इसके अंदर मैंने 2 लीटर डाल दिया है। अच्छा, अब 2 लीटर पानी डाल के मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है, और जब वेट चलना स्टार्ट होगा उसको मैंने 5 मिनट देने हैं, 90% मेरा ये गोश्त गल जाना चाहिए। तो ये देखें, अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ, ये कर दिया मैंने बंद, अब ये जाएगा चूल्हे पर। अब यहाँ देखें, 5 मिनट हो गए इस वेट को चलते हुए, मैंने वेट उठा दिया है, जब तक ये भाप निकलती है हम दूसरी तरफ ये देख लेते हैं अपना। ये देखें, ये भी पानी ड्राई हो रहा है, तो इधर ये मैंने लिड ओपन कर दिया है। ये देखें, यखनी हमारी तैयार हो गई ऑलमोस्ट। अब इसे चेक करते हैं, साइड पे जो मसाला लगा हुआ है वो हम उतारते हैं, ये देखें, और इस गोश्त को हम चेक करते हैं कि ये गला है कि नहीं। लेकिन अभी यखनी थोड़ी ज़्यादा है, मुझे इसको पका कर थोड़ा और ड्राई करना है, गोश में थोड़ी सी कसर है अभी, तो इसको पकाते हैं। ये देखें, ये पक के पानी भी कम हो गया यखनी का, और ये तैयार भी हो गई है मुकम्मल। चूल्हा करते हैं हम बंद, और दूसरी तरफ हम अपना जो पहला स्टेप है वो देखते हैं। ये देखें, ये भी हमारा तैयार हो गया, 1/2 ग्लास रह गया, चूल्हा कर दिया है बंद। तो चलें, अब स्टार्ट होता है हमारा थर्ड स्टेप। मैंने यखनी को कर लिया है स्ट्रेन, और ये मैंने गोश्त अलहदा से रख लिया है, जैसे कि 750 ग्राम गोश्त था, और ये देखें, ये यखनी मैंने जग में निकाल ली है, और जो फर्स्ट स्टेप का पानी था वो भी मैंने एक स्टील के ग्लास में निकाल लिया है, 1/2 ग्लास, ओके। अब ये 750 ग्राम चावल हमारे हो गए, तो मैंने लिया कूटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर, नमक हसबे ज़ायका, 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर, गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मेरे पास सूखा धनिया है पीसा हुआ, 1 कप ऑयल लिया है मैंने, 2 तेज़पत्ते लिए हैं मैंने, और ये काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, और ये नींबू का और सिरका, नींबू और सिरका है 1 टेबलस्पून, प्याज लिया है मैंने एक छोटा सा, और 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है।
दही हो गया हमारे पास ऑलमोस्ट 250 ml, और ये जो लहसुन फर्स्ट स्टेप में मैंने डाला था इस पानी में, ये वो मैंने निकाला है, इसको इसका भी पेस्ट हमने निकाल के इसमें डालना है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैंने ऑयल डाल दिया है एक पोट में 1 कप, और इसमें मैं प्याज डाल के लाल करूँगी। ये देखें प्याज थोड़े थोड़े लाल होने लग गए हैं। ये ज़ीरा मैंने इसके अंदर 1 tablespoon ऐड कर दिया है, सॉरी मैं पहले दिखाना भूल गई थी, ये इसमें ऐड किया है। लहसुन अदरक इसमें ऐड किया है मैंने, और अब मैं वो लहसुन ऐड करूँगी, उसका पेस्ट ऐड करूँगी जो फर्स्ट स्टेप में से मैंने निकाला था। ठीक है, ये इसके अंदर ऐड हो गया, और इसके अंदर थोड़ी सी यखनी ऐड करूँगी, और ताकि प्याज ज़्यादा लाल ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके चावलों का कलर आपके प्याज के गोल्डन होने पर आता है कि आपका प्याज कितना गोल्डन हुआ है। मुझे बहुत डार्क कलर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने लाइट रखा है। ठीक है, ये देखें, अब इसमें डालेंगे हम तेज़पत्ता, इसको थोड़ा सा हम करेंगे फ्राई इसी में, सिर्फ कुछ सेकंड हम इसको देंगे, और फिर साथ ही हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर, तेज़पत्ते का फ्लेवर सही से गोश्त में आए। ये देखें ये चला गया, अब इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे गोश्त को, गोश्त थोड़ा थोड़ा गोल्डन होना चाहिए हमारा। और बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स कीजिएगा, बहुत हल्के हाथ से। मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया ताकि इसको मैं गोल्डन होते हुए दिखाऊं आपको। ये देखें ये हो गया गोल्डन, अब टाइम है इसके अंदर मसाला जाग जाने का। ये देखें ये चलेगी इसके अंदर कूटी लाल मिर्च, सारे मसाले जाएंगे, ये चिकन पाउडर, ये नमक गया, अच्छा नमक मैंने थोड़ा डाला है, ये देखें थोड़ा मैंने रख लिया है ताकि हम इसको बाद में टेस्ट करेंगे, ताकि नमक तेज़ ना हो जाए। ये हमारी सौंफ चली गई थी, ये हमारा गरम मसाला चला गया इसके अंदर, ये सूखा धनिया चला गया, ये काली मिर्च, अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छा यहाँ पे मैं ना थोड़ी सी जो फ्लेम है वो लो कर दूंगी ताकि मसाला जले नहीं, और इसके अंदर मैंने साथ ही स्लाइटली भून कर ना इसके अंदर मैंने दही ऐड कर देना। देखिए आपको गोश्त नज़र आ रहा होगा रेड हुआ हुआ, ये देखें अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे, दही डाल, तो ये देखें गाइस पानी खुश्क हो रहा है इसका, दही का ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है, मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब हमारा इससे अगला स्टेप जो है वो ये है कि हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखिए चावल इस पॉइंट पे ऐड करने का मकसद ये है कि भाई चावल जो है खिला खिला बनता है, इस पॉइंट पे अगर हम ऐड करते हैं तो, और फ्लेवर्स भी अच्छे तरीके से चावल के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब मैंने चावल जिससे मैयर किए थे वो था ये स्टील का ग्लास, ये 1/2 किलो का ग्लास है, मैंने 1.5 ग्लास ये लिया था, और इसके मुताबिक ही मैं यखनी डालूंगी। 1.5 ग्लास मेरे चावल थे तो मैं 2.5 कप यखनी टोटल इसमें डालूंगी। ठीक है, ये एक मग चला गया पानी इसके अंदर। ठीक है, अब जो है 1/2 मग मैं ये लूँगी, और जो मेरे फर्स्ट स्टेप वाला पानी था सौंफ वगैरह का वो मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखें वो इसमें डाल दूँगी, और ये भी चला जाएगा चावलों में। मैं ऑलमोस्ट 2.5 मग जो हैं पानी के डाल चुकी हूँ, 1/2 मग वाला स्टेप मेरे से मिस हो गया तो वो मैं आपको बता रही हूँ। 1.5 मग मेरे पास चावल थे, 2.5 मग मैंने पानी ऐड किया सारा। ठीक है, अब देखें ये जब पानी पे बॉयल आने लग गया है तो इस पॉइंट पे हम ये सिरका और नींबू का जूस जो 1 टेबलस्पून था वो ऐड कर देंगे, इससे आपका चावल का दाना बिल्कुल अलग अलग बनेगा। ये देखें और इसको अच्छे से हिला देंगे, ये देखें पानी हमारा हो रहा है ड्राई, हल्के हल्के हाथ से चम्मच चलाएं। अच्छा ये मैं नमक डाल रही हूँ, जो बाकी रह गया था नमक इसमें थोड़ा कम था तो मैंने बाकी भी डाल दिया इसमें, और दूसरा ये हरी मिर्चों का पेस्ट इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ। बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। एंड कैंडीज जब मैं कुछ बता रही हूँ तो उन चीज़ों को प्लीज़ आप नोट करें, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ें बीच में बताती हूँ। ये देखें पानी ऑलमोस्ट हमारा खुश्क हो गया है, अब हमने इसको रखना है दम पे, और दम के लिए मैंने एक पुराना तवा लिया है जिसको मैं गर्म कर रही हूँ। ये देखें ये पुराना तवा था, इसको मैंने गर्म किया, इसके ऊपर पतीली रखूँगी और दम लगाऊँगी।
और दम के टाइम पर मुझे इसके अंदर ऐड करना है ये 1 टेबलस्पून घी। ये घी इसके अंदर ऐड हो गया, अब इसको हम दम पे रख देंगे। ये देखें, ये मैंने इसको 10 मिनट का दम दे दिया है अब, और 10 मिनट बाद खोलते हैं। ये 10 मिनट हो गए हैं, दम लग चुका है, चूल्हा करने लगे हैं हम बंद। और ये देखें, दम से मैंने खोल लिया, चेक करें कितना ज़बरदस्त लग रहा है पुलाव, ये देखें। अच्छा एक चीज़, जब कभी भी आप पुलाव, बिरयानी या कोई भी चावल बनाएं, जब उनका दम तोड़े ना, उस टाइम आप चावलों को मिक्स करें अच्छे से, और उसके बाद 5 मिनट के लिए उसे ऐसे ही खुला छोड़ दें। आपका दाना बिल्कुल अलग अलग बनेगा। मुझे अभी सर्व करके आपको दिखाना है ऐसे गरम गरम। तो ये देखें, पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, डिश आउट कर रही हूँ, ये हो गया डिश आउट। और ये चेक करें कितना ज़बरदस्त लग रहा है पुलाव। बकरा ईद है, हर किसी के घर में पुलाव लाजमी बनता है, मोस्टली घरों में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपके फीडबैक का। ये चेक करें। सो कैंडीज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह।